बोलना चाह रहे थे, आपने सभी का बात के एक पर माइक नहीं, तो हम अपनी नहीं बोले जी आप एक बात सर आपने समुदाय के सभी वर्गों का जिक्र किया, पर 95,000 के बाद नई बहाली हुई लगभग 1,00,000 सरकारी कर्मचारी इस झारखंड की धरती पे हैं, उनसे प्रभावित कम से कम 10 लोग हैं, उन 4,00,000 वोट कहिए या तो उनका जीवन यापन कहिए, इस देश में 1-1,04 के बाद पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई। और एक मिनट पेंशन है सो 3 लोगों को अभी भी प्राप्त है, सेना को, माननीय विधायक और सांसद को और जज को। तो यह लगता है कहीं ना कहीं कर्मचारियों के खिलाफ साठगांठ करके पेंशन दिया जा रहा है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने मैनिफेस्टो में और इस कर्मचारी वर्ग के लिए भी आप अपने दो बात रखे। ऐसी सभा तो समाप्त हो गई है, लेकिन आपने बात से आवेदन दिया है, निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो झारखंड में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर के ठाकुर ज्वाइन किया ना, आपको मैं झारखंड में पुरानी पेंशन को हम लागू कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन इस बार आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस के लोग भी उससे प्रभावित हैं, बाकी सभी कर्मचारी प्रभावित हैं, और पोलिंग बूथों पर भी वही लोग रहते हैं। कभी कभी शिकायत आता है लोग गड़बड़ करते हैं कि सरकारी पक्ष में वोट डालते हैं, तो भैया फिर नहीं होगा आप लोगों का। इसलिए बीजेपी से उम्मीद मत करो, अगर उनसे फिर मांग करोगे तो आप लोगों के ऊपर डंडे वो चलाएंगे। बाबूलाल मांडी डंडा नहीं चलाता है, बाबूलाल मांडी सबों से प्यार करता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आपका साथ और आपका सहयोग, सुंदर झारखंड हम लोग बनाएंगे, खुशहाल झारखंड बनाएंगे, सिंचित झारखंड बनाएंगे, स्वस्थ झारखंड बनाएंगे, स्वच्छ झारखंड बनाएंगे और स्वावलंबी झारखंड बनाएंगे, जहां कोई भूखे नंगे नहीं हो वैसा झारखंड बनाएंगे। बस आपका साथ और सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में अभी सरकारी कर्मचारियों ने हमें एक आवेदन दिया, अरे लोगों ने मांग किया है पुरानी पेंशन लागू करो, तो मैं सरकारी कर्मचारियों से कहता हूँ इस बार के चुनाव में आप सब लोग झारखंड विकास मोर्चा का ध्यान रखना, बाबूलाल मारंडी का ध्यान रखना, कंगी छाप का ध्यान रखना, आपको मैं झारखंड में पुरानी पेंशन को हम लागू कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।